तो दोस्तों नमस्कार, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, खस नामक घास कहाँ पाई जाती है? जो खस घास है राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो इसके चार ऑप्शन बता रहा हूँ, जैसलमेर, टोंक, बांसवाड़ा, चौहटन। तो इसमें सही राइट आएगा टोंक, क्योंकि खस जो नामक घास होती है इससे इत्र बनता है, और ये टोंक सवाई माधोपुर और भरतपुर के जिलों में पाई जाती है। और खस नामक घास पाई जाती है जिससे क्या बनता है, इनकी जड़ों से इत्र बनता है। क्या बनता है? इत्र, बर सेवन और धामण, बर सेवन और धामण। ये डायबिटीज या मधुमेह के रोगियों के लिए उपयोगी है। और मुराद, करंड, अंजल, मुराद, करण और अंजल, ये घास के प्रकार है ना। और सर्वाधिक जैसलमेर जिले में पाई जाती है। विश्व की जो सबसे लंबी घास है उसका नाम है बांस। कदम के वृक्ष, जो कदम होते हैं उसके वृक्ष से क्या प्राप्त किया जाता है? गोंद। और राजस्थान में गोंद के लिए प्रसिद्ध, राजस्थान में गोंद के लिए कौन सा प्रसिद्ध जिला है? चौहटन, बाड़मेर। कौन सा है? चौहटन, बाड़मेर। ये जरूर ध्यान रखना है आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो अगर वीडियो लाइक अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह की वीडियो, इसमें क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो धन्यवाद।